नमस्कार दगड़ियों, आप सब लोगों को स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पप्पू ब्लॉग्स में। दगड़ियों, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। और आज मैं काठगोदाम से निकल चुका हूं, और पहले सुबह घर से निकला मैं, उसके बाद काठगोदाम पहुंचा। काठगोदाम से मैं निकल चुका हूँ सितारगंज चोरगलिया वाली रोड में, जो मैं आपको अभी जो मेरा पीछे जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, ये सितारगंज चोरगलिया वाली रोड का आपको नज़ारा दिख रहा है। और आज मेरा कहीं का ट्रिप है, और मेरे साथ वीडियो में बने रहे, आप भी वीडियो के माध्यम से ट्रिप का मज़ा लीजिए, इंजॉय लीजिए। काफ़ी अच्छा यहाँ पर अभी जो मौसम हो रहा है, इधर उधर रोड के किनारे पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर जंगल हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी छाया जैसे मिली, मैंने कहा थोड़े वीडियो शूट कर लूँ। अगर आप पप्पू ब्लॉग्स में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि पप्पू ब्लॉग्स की आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दगड़ियों, अभी मैं सितारगंज जो फैक्ट्री एरिया है सिटकुल, उसको क्रॉस करके आ चुका हूँ, और यहाँ पर काफ़ी भीषण जो इस समय गर्मी पड़ी हुई है, धूप तो बहुत तकड़ी धूप यहाँ पर पड़ी हुई है। गाड़ी के अंदर मैं बॉयल हो चुका हूँ, जैसे अंडा बॉयल हो जाता है वैसे मैं भी बॉयल हुआ, हालांकि मैं एसी यूज़ कर रहा हूँ, बट दगड़ियों सितारगंज होते हुए नानक मत्ता पे पहुँच चुका हूँ मैं, जो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार का यहाँ पर अभी जो सीन हो रहा है, और काफ़ी धुंध ऊपर आसमान में लगी पड़ी है, और नीचे काफ़ी तपन हो रही है, गर्मी हो रही है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ। नानक मत्ता से होते हुए खटीमा हम पहुँच चुके हैं, और खटीमा में हमारा लंच होगा। क्यों भाई मंको, लंच ये करेंगे तो अच्छा होगा, तो नहीं तो काकनी का होगा। बस यहाँ लंच के लिए अब हम रुकने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं कि खाने में आज हम क्या कौन सा डिश लेते हैं। दगड़े फाइनली शुद्ध शाकाहारी वैष्णो भोजनालय टनकपुर रोड अमाऊ खटीमा से हम यहाँ पर लंच कर रहे हैं। लंच में हमने सादा खाना लिया हुआ है, तीन लोग हैं तो तीन प्लेटें यहाँ पर लगी हैं, और पानी की बोतल है, बस सादा खाना खाते हैं उसके बाद निकलते हैं। आइएगा, आप भी आइएगा हमारे साथ, आपको खाना खिलाते हैं हम भी। बटर मक्खन, मक्खन मंगा दिया गया है, तो रोटी जो है तंदूरी रोटी है, तो विद मक्खन इसको खाया जाएगा। यह है तंदूरी रोटी। फाइनली लंच हम कर चुके हैं, और अभी हम जस्ट बन बसा पहुंच चुके हैं, बस यहां से थोड़ा ही हम आगे जाना है। जैसे आगे जाते हैं वहां भी आपको दिखाता हूं मैं, तो ये जो है चंपावत जिला में हम प्रवेश कर चुके हैं। दगड़ो फाइनली मैं टनकपुर पर हूँ, और तो आज का जो मेरा सफ़र था कुछ इस प्रकार का रहा। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।